उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, रमाला पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप, बरामद 338 पेटी। उत्तर प्रदेश के बागपत की रमाला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शराब तस्कर को अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा मार्ग का 338 पेटी अंग्रेजी व देसी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब को तस्कर जिप्सी गाड़ी में हरियाणा से मेरठ लेके जा रहे थे। फिलहाल पुलिस तस्कर को जेल भेजकर तस्करों के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला कोतवाली रमाला क्षेत्र का है, जहां पुलिस को बरवाला नहर क्षेत्र में शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने संघनता से चेकिंग अभियान चला रही थी और देर शाम पुलिस ने बरवाला नहर के पास जिप्सी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार तस्कर भागने लगे और पुलिस ने उनका पीछा किया और फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि दो तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 338 पेटी अरुणाचल प्रदेश व हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब व देसी शराब बरामद की है। पकड़े गए शराब तस्कर हरियाणा से तस्करी कर बागपत जिले के रास्ते से मेरठ के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया है और गिरोह के बाकी तस्करों की तलाश में जुटी है। क्या पूरा मामला है? श्रीमान एसएसपी बागपत महोदय के आदेशानुसार व श्रीमान एएसपी महोदय बागपत व श्री रमाला महोदय के उस निर्देशन में चेकिंग के दौरान सूचना पर गाड़ी नंबर UP 17 AT 49-28 हुए 332 पेटी अवैध शराब हरियाणा में अरुणाचल प्रदेश की बरामद कर एक अभियुक्त गिरफ्तार। कितनी पेटी? 332 पेटी।